मैं ये जानना चाहूंगा, वैसे कई लोग जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को जब जुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं? आप हैरान होंगे, मैं बहुत ही, फिर वही कहूंगा, मैं ऐसी कठिन जिंदगी जी करके आया हूं। तो डॉक्टर क्या होता है, ये महंगी दवाइयां क्या होती हैं, सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, वो सब आप आयुर्वेदिक में बहुत विश्वास करते हैं। मैं बताता हूँ आयुर्वेद के बजाय कैसी जिंदगी है। अब आप जब पहाड़ चढ़ते हैं तो पैर तो दर्द करते ही हैं, है? कितनी आधी हो लेकिन ऊंचाइयों पर जाते हो तो अब जो अकेला इंसान है वो क्या करेगा? मालिश वालिश वाले को तो कुछ नहीं करा सकता, किसी को फिजियोथेरेपी नहीं करा सकता, मसाज नहीं करवा सकता। अब मैं क्या करता था जी, मेरे कंधे पर हमेशा एक ये जो असम का गमछा होता है ना, ये गमछा मेरे पास रहता था ऐसा, तो मैं जैसे उसको ऐसे पैर पे बांध देता था पूरा, और बीच में एक छोटी लकड़ी तोड़ करके पैर से लगा देता था, फिर इसको मैं कर्व करता था। अच्छा, तो प्रेशर आता था ऐसा, पूरे बॉडी को मैं अपना मसाज खुद ऐसा तरीका रखता था, तो ऐसी चीज़ें मैं इवॉल्व करता था अपने लिए। मैं बहुत साल पहले कैलाश यात्रा पर गया था पैदल, टोटल यात्रा करीब 1000 किलोमीटर का था, पैदल गया। कुछ और भी लोग थे, बड़े धनी लोग भी वहाँ कभी कभी यात्रा में आते थे, और बहुत बड़े बड़े महंगे वो चमड़ी बचाने के लिए सब लेकर के आए हुए थे। मेरे पास तो कुछ था, मेरे पास कैस्टर ऑयल था और वो भी रॉ, सीधा वो घानी से निकाला हुआ। तो उसकी स्मेल भी बहुत ख़राब होती है, तो मैं उसी को लगाता था। अब ये लोग पांचवें छठे दिन मुंह नहीं धो सकते थे क्योंकि उनकी चमड़ी जल करके निकल करके लटक गई थी, तो वो बड़े परेशान रहते थे। तो मुझे कुछ नहीं होता, बोला मैं तेज तलाक रहता था, तो मुझे पूछने लगे आप क्या करते हो, बोला कुछ नहीं भाई, कैस्टर ऑयल लगाता हूँ भाई। तो रात को हम जब पहाड़ चढ़ करके रात्रि मुकाम होता था, ये मेरे पास आ जाते थे, हर कोई एक एक बूंद कैस्टर ऑयल में से ले जाता था। जुकाम होता था तो मैं गर्म पानी पूरा समय पीता, गर्म पानी उसमें कोई शहद या कुछ? कुछ नहीं, कुछ सिंपल गर्म पानी। दूसरा हो सके तो फास्टिंग करता। अच्छा, फास्टिंग यानी एकदम से सिवाय पानी कुछ नहीं, एक दो दिन 24 घंटे 48 घंटे ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तीसरा, ये सरसों का तेल होता है, उसको थोड़ा गर्म करके रात को 2-3 बूंद डाल देता है। जलन बहुत होती है लेकिन ये मेरा 1-2 दिन में क्लियर कर देता है, तो ऐसे ही जीने की आदत है। कुछ चीज़ें करता हूँ वो मैं चाहूँगा पूछना चाहूँगा आपसे। मैंने चीज़ फॉलो की है जिसको कहते हैं कि 7-12-5 × 40।